नमस्कार दोस्तों, टॉप थ्री वर्ड में आपका स्वागत है। मैं हूँ रीना और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसा जिसका आप अलग अलग तरीकों से बहुत सारा यूज कर सकते हैं। मैं इसको बना रही हूँ साड़ी स्टोर करने के लिए, लेकिन आप इसे शर्ट भी स्टोर कर सकते हैं, विंटर के कपड़े स्टोर करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारी छोटी बड़ी चीजें होती है जिसे हम अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, जिसके लिए ये परफेक्ट है, इसका यूज आप कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ब्लू कलर का फैब्रिक लिया है और इसके नीचे है नॉन वूवन और बीच में हमने लगाया है फोम और इसमें मैंने क्विल्ट बना लिए हैं। ये मैंने लिया है 26x16 इंचेस, ये यहाँ से 16 इंचेस है और यहाँ से ये 26 इंचेस का है। इसके अलावा मैंने एक ट्रांसपेरेंट सीट ली है जो मैंने 10 इंचेस की ली है और ये एक बेल्ट लिया है 13x3.5 इंचेस का, यहाँ से ये 3.5 इंचेस है और यहाँ से ये 13 इंचेस का है और ये सीट का जो वेंथ है वो मैंने इसी के नाप से लिया है। अब ये जो बेल्ट है उसे हमें मिडल में से कट कर लेना है, इसे दोनों साइड रखना है और मिडल में हमें ये ट्रांसपेरेंट सीट को यहाँ पे अटैच कर लेना है, यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये ट्रांसपेरेंट सीट के दोनों साइड हमने फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब हमें इसी के नाप से जिप लेनी है। अब जिप को मैं इसके ऊपर उल्टा रखूंगी और यहाँ से हम स्टिच कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे जिप को अटैच कर लिया है। अब इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। अब हमें दो रनर लेना है और इसे हम दोनों साइड से एक एक एंटर कर लेंगे। अब हम ये मेन फैब्रिक लेंगे और उसे हमें सेंटर में से फोल्ड करना है और उसे हम यहाँ से कट लगाएंगे। इसी तरह से यहाँ से सेकंड साइड भी हमें कट लगाना है। अब ये मेन फैब्रिक है उसे हम उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर हमें ये बेल्ट को इस तरह से सीधा रखना है और इसका भी हम सेंटर निकालेंगे यहाँ से, और ये जो सेंटर है वो जो हमने यहाँ पे कट लगाया था वहाँ पे हमें फिक्स करना है और यहाँ से हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा बॉर्डर अटैच हो गया है। अब हमें इस तरह की स्ट्रेट पट्टी लेनी है, इसके वेंथ 2 इंचेस है और ये हमें पूरे यहाँ पे लगानी है, उतनी हमें लेनी है। तो हमें स्टार्ट यहाँ से करना है, अब कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसे हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे ऊपर स्टिच कर लेंगे। ये हमने पाइपिंग को अटैच कर लिया है इस तरह से। अब इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है और इसे हम यहाँ से डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। पाइपिंग का कलर भी आप सेम भी ले सकते हैं और अलग कॉन्ट्रास्ट अपने पसंद का ले सकते हैं।
और पाइपिंग इस तरह से अटैच करें कि अगर कोई जॉइंट आता है तो ये इस तरह से ऊपर रहे, तो ये फोल्ड होगा तो ये इस तरह से आ जाएगा। ये हमने यहाँ पे ऊपर पाइपिंग अटैच कर ली है। अगर आपकी शादी है या आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको इसके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेशन जरूर करना चाहिए। डेकोरेशन करने के लिए आप यहाँ पे अलग अलग कलर के मोती लगा सकते हैं, या तो फिर व्हाइट मोती भी लगा सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे आप लेस अटैच कर सकते हैं, या फिर इस तरह के कोई पेज, या आप स्टार्ट में ये जो हम बना रहे हैं उससे पहले भी कर सकते हैं ये स्टिच करना है अगर आपको तो, या तो फिर आप इसे गम की मदद से भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो ये हमारा साड़ी कवर पूरी तरह से रेडी है। ये मेरी बांधनी की साड़ी है और ये बनारसी सिल्क टाइप की साड़ी है। मैं इसमें हेवी साड़ी को ही रख रही हूँ। अभी भी इसमें जगह बच रही है, मैं और एक साड़ी डाल सकती हूँ। वैसे तो ऐसी हैवी साड़ी को आप सिंगल कवर बना के उसमें भी आराम से स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ से हमें इजीली दिख जाएगा कि हमने इसके अंदर कौन कौन सी साड़ियाँ स्टोर की हैं। तो ये हमारा स्टोरेज बॉक्स रेडी है। साड़ियों के अलावा आप इसके अंदर विंटर के ऊनी कपड़े भी स्टोर कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी स्टोर करना चाहते हैं वो अच्छी तरह से मैनेज हो सकता है। तो आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। इसी तरह के नए आइडियाज़ के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।